खरीदने जाते हैं, बहुत बार आप ये टर्म सुनते हैं रिमलेस साइफोनिक, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है रिमलेस टेक्नोलॉजी और क्या होती है साइफोनिक टेक्नोलॉजी। जो पुराने कमोड आते थे या पहले के जो मॉडल्स आते थे उनमें बॉक्स रिम होता था, यानी कि चारों तरफ छोटे 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 छेद बने होते थे जिनसे जब आप फ्लश करते थे पानी निकलता था। रिमलेस टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, उन छोटे छेदों को हटाकर आपने दे दिए बड़े बड़े दो या तीन छेद, जिससे अगर पैन राउंड शेप का है तो सर्कुलर फॉर्म में पानी आएगा एंड क्लीनिंग अच्छी होती है। क्या होती है साइफोनिक फ्लशिंग। अगर आप ट्रेडिशनल एक कमोड देखते थे उसमें सिर्फ एक पीछे की तरफ आउटलेट होता था, साइफोनिक फ्लशिंग में आगे की तरफ और पीछे की तरफ दो छेद रहते हैं यहाँ पे, जिससे जब आप फ्लश करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे पानी अपने अंदर बहुत अच्छे से निकल जाता है, इसको बोला जाता है साइफोनिक फ्लशिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।